एक बड़ी खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से है। जयपुर के अंदर भी दिल्ली जैसा हादसा हुआ है, जैसा दिल्ली में कोचिंग सेंटर के अंदर हुआ था। बेसमेंट में पानी भर गया था और वहाँ 3 छात्रों की जान चली गई थी। ठीक इसी तरह से जयपुर में भी हादसा हुआ है। बेसमेंट में सो रहा था परिवार, अचानक भर गया पानी और 4 लोगों की यहाँ पर मौत की खबर है। ये ट्रू स्टोरी ने सोशल मीडिया पर खबर डाली हुई है। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश की वजह से सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पुलिस थाने, अस्पताल सभी तालाब बन गए हैं। बारिश की वजह से जयपुर में दिल्ली जैसा हादसा हुआ है। यहाँ विश्वकर्मा इलाके में भी बेसमेंट में बारिश का पानी भर गया, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। सीकर रोड नंबर 17 स्थित विश्वकर्मा इलाके में यह हादसा हुआ है। अशोक कुमार सैनी नाम के शख्स के घर में करके बेसमेंट में उनका बेटा, बेटी और रिश्तेदार की पोती व अन्य एक रिश्तेदार बेसमेंट में सो रहे थे, तभी धीरे धीरे पानी भर गया और फिर सभी लोग इसमें डूब गए। बताया जा रहा है कि बेसमेंट करीब 15 फीट गहरा था। जयपुर में बारिश के बाद जो तस्वीरें हासिल हो रही हैं वो हम आपको दिखाते हैं। देखें कितनी सड़कें दरिया बन चुकी हैं। क्या आप अपने आप देखें, चारों तरफ पानी भरा हुआ है सड़कों पर। कमोबेश यही हालात हर जगह के हैं इस वक्त। ऐसे में खतरा रहता है, बिजली का करंट आ सकता है पानी के अंदर, और कोई ड्रेनेज वगैरह ओपन अगर है तो वहां पर भी हादसा हो सकता है। बस के पूरे पहिए पानी के अंदर डूबे हुए हैं। ट्रैक्टर से बस को खींच करके आगे ले जाया जा रहा है और सड़क पर पानी भरा हुआ है। एक वीडियो और देखें आप और अंदाजा लगाएं कि जयपुर के हालात इस वक्त कितने खराब हो चुके हैं बारिश की वजह से। ये एयरपोर्ट के बाहर का दृश्य है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर एयरपोर्ट के बाहर। ये तस्वीरें भी जयपुर की हैं, देखें। ये विश्वकर्मा कॉलोनी का वो मकान है जहाँ पर 4 लोगों की मौत हुई है। बेसमेंट में सो रहे थे, पानी भर गया। पास के लोग खड़े हुए हैं, ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, शायद पानी निकाला जा रहा है बेसमेंट से ट्रैक्टर के जरिए। और कुछ यहाँ आप देख सकते हैं साइड में ड्रम वगैरह ये रखे हुए हैं, इन ड्रम्स वगैरह से कोई मदद ले रहे होंगे। तो यहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू वर्क चल रहा है।
ये वीडियो हंसराज मीना साहब ने पोस्ट किया हुआ है सोशल मीडिया पर, वो लिखते हैं ये जल नहीं जयपुर है। देखें जयपुर का ये नज़ारा। बता दें कल से अच्छी बारिश हो रही है, यहाँ अलीगढ़ में भी तेज़ बारिश है, दिल्ली में बहुत अच्छी बारिश हुई है। और बारिश की वजह से फिर बाद में पानी सड़कों पर जमा हो ही जाता है। हमारे यहाँ पर जो निर्माण कार्य होते हैं, एक तो वो बिना प्लानिंग के होते हैं, शहरों की आबादियाँ बढ़ती चली जाती हैं, कोई पहले से प्लानिंग होती नहीं, बाद में फिर तोड़फोड़ होती रहती है, सड़कें चौड़ी होती रहती हैं, नाले नालियाँ बनते रहते हैं। पहले से प्री प्लान कोई काम हमारे यहाँ नहीं होता, ये सिर्फ अंग्रेजी राज में जब इमारतें बनती थी या शहर बसाए जाते थे उस वक्त आप देख सकते हैं कि वो तैयारी के साथ प्लान करके बसाया करते थे। अलीगढ़ में बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जो अब से 150 बरस पहले की बनी हुई हैं, 150-200 साल पहले की बनी हुई हैं, जिसमें AMU के कई सारे पुराने हॉल जिसमें स्टूडेंट्स रहते हैं उनके अंदर कितनी बारिश होने हो जाए अगले 5 मिनट के अंदर वो बिल्कुल साफ़ सुथरे आपको नज़र आएंगे, कहीं कोई आपको जलभराव नज़र नहीं आएगा। और इसी तरह से रूम अब नई संसद टपक रही है, उधर राम मंदिर में भी पानी टपक रहा था, यहाँ ये 200 साल पुराने जो कमरे बने हुए हैं आपको कहीं से भी पानी का लीकेज नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो तैयारी के साथ सब कुछ किया करते थे। जयपुर का एक वीडियो मनोज कुमार शर्मा साहब ने पोस्ट किया हुआ है, वो दिखाते हैं हम आपको, ये वीडियो देखें। बेसमेंट में पानी भरने से हुई मौतों पर जयपुर पुलिस के अधिकारी उनका बयान आया, देखें सुने। ये अभी सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि इस तरह VK इलाके में कहीं बेसमेंट में बने इलाके में लोग नीचे, एक महिला और एक उसकी भांजी और एक व्यक्ति जो है उसके फंसे होने की सूचना मिली। नीचे बेसमेंट में जो उनके रहने की जगह थी उसमें तब अपना सामान बाहर निकाल रहे थे, तो उसी क्रम में पीछे की दीवार टूट गई, उसमें पानी का फ्लो इतना बढ़ा कि वो बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। हम उनको रिकवर करने की कोशिश करें। अभी जो SDRF से और जो पानी के लिए प्रशासन की टीम लगी हुई उनसे जो बात हुई, लगभग 1-1.5 घंटे का समय और लगेगा, क्योंकि पानी को काफ़ी दूर तक निकाला जा रहा है, तो जल्दी रिकवर करने का प्रयास करें। क्योंकि अभी जो अंदर की जगह है वो भी काफ़ी असुरक्षित प्रतीत हो रही है, ये जो बिल्डिंग है इसका ये भी कमज़ोर टाइप की प्रतीत हो रही है, तो हम एक बार पानी निकल जाए उसके बाद पर्याप्त प्रिकॉशन के साथ में SDRF की टीम को अंदर भेजा जाएगा। यहाँ पर अधिकारी महोदय बता रहे थे जो मौतें हुई हैं उस पर किस तरह से पानी भरा है वहाँ पर अचानक से, देखते रहिए। शुक्रिया आप सभी का।